इस पल में हम जब किसी के साथ है तो बहुत सारी उनके बारे में चीजें नोटिस नहीं कर पाते। वक्त चले जाने के बाद हमें पता चलता है कि उन्हें हमारी जरूरत थी, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। राज की मूवी में ये पॉसिबल है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑरेंज, एक काइंड ऑफ टाइम ट्रेवल पर बेस्ड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक जापनीज रोमांटिक मूवी है, एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी के साथ आपको एक ब्यूटीफुल सा मैसेज भी मूवी देकर जाएगी, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। नाउ होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होते हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है नाहो, इस सकुरा ट्री का ब्लॉसम देख रही थी। ये इतना ब्यूटीफुल था कि इसमें वो खो गई थी। वो अचानक से रियलाइज करती है उसके बैग में एक लेटर है। ये लेटर उसने स्कूल में पढ़ा। नाहो ने लेटर पर पढ़ा कि उसने खुद ने ही अपने आप को ये लेटर लिखा हुआ था। खोलकर वो देखती है तो इसमें लिखा हुआ है कि मैं फ्यूचर से तुम्हें लेटर लिख रही हूँ। नाहो ये पढ़कर बहुत ही सरप्राइज थी। इस लेटर में फ्यूचर नाहो ने लिखा है कि तुम मुझे हेल्प कर सकती हो, यानी कि नाहो प्रेजेंट में कुछ चेंजेस करेगी, इससे फ्यूचर की नाहो को कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा। लेटर में लिखा था कि टोक्यो से एक नया स्टूडेंट आज तुम्हारे स्कूल में आएगा, इसका नाम होगा ककेरू, और हम तुरंत ककेरू को इनके क्लासरूम में आया हुआ देखते हैं। टीचर ने जब उसे इंट्रोड्यूस किया तो नाहो बहुत ही सरप्राइज थी कि ये कैसे हो सकता है। इसमें लिखा था कि ककेरू आकर तुम्हारे पास बैठेगा, और यही हुआ। आगे लिखा है तुम्हारे फ्रेंड्स लंच ब्रेक में उसे अपने साथ हैंग आउट करने के लिए इन्वाइट करेंगे, पर वैसा मत करना। नाहो को अभी भी इस लेटर पर बिलीव नहीं था। एक्चुअल में ककेरू को नाहो के फ्रेंड ने इन्वाइट कर लिया। ककेरू पहले मना करता है, पर सबके फोर्स करने की वजह से उनके साथ लंच करने के लिए मान जाता है। नाहो के फ्रेंड्स ने ककेरू को स्कूल की अलग अलग जगहें दिखाई। ककेरू भी इनके साथ अब कंफर्टेबल हो रहा था। लंच के लिए ये ब्रेड्स लेकर आते हैं। नाहो के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं तुम्हें कौन सा ब्रेड चाहिए। वो कहती है तुम लोगों को जो अच्छा लगे तुम वो चूज कर लो, यानी कि एक फ्लेवर अगर किसी को ज्यादा अच्छा लगता है तो उसे मिल जाए। नाहो बहुत ही पोलाइट थी, वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी को भी ट्रबल हो। ये बात ककेरू ने नोटिस की। एक अच्छे फ्लेवर का ब्रेड था जो नाहो को दे देता है। रात में घर आकर नाहो आज जो भी हुआ था ये सब अपनी डायरी में लिखती है। यही रीजन है उसके फ्यूचर सेल्फ को हर दिन के बारे में पता था, और क्या चेंज करना है ये उसे बता सकती थी। इनकी फर्स्ट मीटिंग के बाद 2 वीक तक ककेरू स्कूल में आया ही नहीं। सब लोग उसके लिए वरीड थे, तो नाहो को लगता है कि शायद लेटर में इसका रीजन दिया गया हो। लेटर में सिर्फ लिखा हुआ है कि सॉफ्ट बॉल के गेम पर आएगा। उस दिन कुछ लड़कियां तुम्हें बैट करने के लिए कहेगी, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना। मैंने पास में नहीं किया था, ये मुझे रिग्रेट हुआ। उसी दिन तुम ककेरू के प्यार में पड़ोगी। सॉफ्ट बॉल के गेम का दिन आया और ककेरू वहां प्रेजेंट था। उसे सब लोगों ने पूछा कि इतने दिन कहां था, पर वो कुछ भी नहीं बताता। वो इतने दिन तक प्रैक्टिस नहीं कर पाया तो गेम में उसे अलाउड नहीं करते। बेंच पर नाहो और ककेरू ये दोनों हैंग आउट कर रहे थे, तभी कुछ लड़की आई और नाहो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हमारे लिए बैटिंग करो, अगर नाहो ने नहीं की तो गेम हार सकते हैं। नाहो के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जरा बड़ी थी और इसे डर कर वो मना कर देती है। बाद में उसे अपनी लेटर की बात याद आई, ये उसकी बिगेस्ट रिग्रेट है। वो फ्यूचर में कोई भी चीज नहीं रिग्रेट करना चाहती। वो बैटिंग करने के लिए रेडी थी। उसने बहुत अच्छे से प्ले किया और वो मैच जीत गई। आज तक नाहो को लगता था कि वो वीक है, कुछ भी चीज सही से कर नहीं पाती, पर आज वो एक गेम जीती, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। घर जाते वक्त नाहो लीम कर रही थी, उसके शूज सही साइज के नहीं थे, इस वजह से उसे चोट आई थी। ये बात ककेरू ने नोटिस की, उसके शूज निकाल कर इस पर फर्स्ट एड करता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें तकलीफ हो रही थी तुम्हें बताना चाहिए था। नाहो किसी को बॉदर नहीं करना चाहती थी, वो कहती है किसी ने भी नोटिस नहीं किया। ककेरू ने कहा पर मैंने तुम्हें नोटिस किया है। अब वो यहाँ से जा रहा था तो नाहो कहती है कि मैं भी तुम्हें नोटिस करती हूँ। ककेरू स्माइल कर यहाँ से चला जाता है। यह इनका सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था, और इसी मोमेंट पर नाहो को ककेरू से प्यार हो गया। वो कहती है कि जैसे लेटर में लिखा था कि मुझे प्यार होगा, आज वैसा ही हुआ है। अपने फ्यूचर सेल्फ से कहती है कि अब तुम्हें कोई भी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे लेटर में दिया गया है वैसे ही हर चीज वो करने वाली है। अब मूवी फ्यूचर में शिफ्ट होती है। यहाँ पर हम नाहो को उसके फ्रेंड सुवा के साथ मैरिड देख सकते हैं। इन्हें एक बेटा भी है
जिसका नाम उन्होंने ककेरू रखा हुआ है। 10 साल बाद आज ये फ्रेंड्स फिर से मिले। इन्होंने कहा कि हम ककेरू का प्रॉमिस अब कंप्लीट करेंगे। ये सब फ्रेंड्स गैदर हुए थे क्योंकि ककेरू के ग्रैंड मदर को मिलने के लिए जाने वाले थे। ककेरू की उसके 17th बर्थडे पर ही डेथ हो चुकी है। डेथ के बारे में पास्ट के नाहो ने जब पढ़ा तो उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है। नाहो वंडर करती है कि हुआ क्या था। आज स्कूल में हैंग आउट कर रहे थे और सुका सॉकर खेलने के लिए जा रहा था। नाहो कहती है कि ककेरू भी बहुत अच्छे से प्ले करता है, वो शायद तुमसे भी अच्छा प्लेयर है। ये बात सुनकर ककेरू ने नाहो के फोरहेड पर छोटा सा टैप किया, कहा इतना सच मत बोला करो। ये इनका मूवमेंट देखकर सब फ्रेंड्स उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं। आज टिफिन में ककेरू ने कुछ भी नहीं लाया था। नाहो ने एक बहुत ही अच्छी सी डिश बनाई है तो ककेरू मजाक में कहता है कल मेरे लिए भी बना कर लाना। रात में नाहो ने लेटर में पढ़ा कि मैंने उसके लिए वो डिश बनाई नहीं थी। उसे आज तक इस बारे में बुरा लगता है। हमारी नाहो ने डिसाइड किया और नेक्स्ट डे वो डिश उसके लिए बना देती है। वो स्कूल में ककेरू को टिफिन तो देना चाहती थी पर बहुत ही नर्वस थी। ककेरू ने देखा कि नाहो के बैग में कुछ है। वे देखने के लिए हाथ आगे करता है तो नाहो इसे छुपा लेती है। ककेरू को लगा कि कुछ पर्सनल होगा, इस वजह से वो आगे चला गया। दिन भर नाहो उसे टिफिन दे ही नहीं पाई। जब स्कूल छूटा तो ककेरू से बात करना चाहती थी। ककेरू के साथ सुवा था, वो समझ गया और चला गया। हमेशा से सुवा को नाहो के लिए फीलिंग्स थे पर फीलिंग्स उसने दबा दी है। वो सिर्फ चाहता है नाहो खुश रहे। फ्यूचर में भी हमने देखा है कि सुवा और नाहो की मैरिज हो चुकी है। फिर से पास में हमने देखा कि इसके बाद नाहो और ककेरू बात करने के लिए एक लेक के पास आ गए। नाहो ककेरू से पूछती है तुम घर जाने के बाद करते क्या हो। ककेरू कहता है कि मैं गेम्स खेलता हूँ। नाहो यूजुअली अपने मदर को हेल्प करती है। नाहो ककेरू से पूछती है तुम 10 दिन तक गायब थे, उन दिनों में गेम खेल रहे थे। ककेरू इस बात से सैड हो गया। वो पहले तो कहता है कि हाँ, पर उसे लगता है नाहो को सच सच बता देना चाहिए। उसने कहा स्कूल के फर्स्ट डे के बाद ही मेरी मदर की डेथ हो गई थी, इसीलिए वो स्कूल आ नहीं पाया। ककेरू को सॉकर खेलना अच्छा तो लगता है पर वो नहीं खेलेगा क्योंकि उसकी मदर नहीं चाहती थी। नाहो को उसके लिए बहुत ही बुरा लगा। उसने उसके लिए बनाया हुआ टिफिन उसे दे देती है। नाहो भी देखकर बहुत ही खुश था। वो कहता है कि मैं एक्चुअल में होप कर रहा था तुम मेरे लिए बना कर लाओगी। उसे बहुत अच्छा लगा। नाहो चाहती है कि जिस तरीके से ककेरू अब स्माइल कर रहा है फ्यूचर में भी हमेशा इसी तरीके से स्माइल करता रहे। फिर से हम फ्यूचर में देखते हैं कि नाहो और उसके फ्रेंड एक ककेरू के ग्रैंड मदर के पास गए हुए हैं। ककेरू की डेथ एक एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। नाहो के फ्रेंड्स ने ग्रैंड मदर से पूछा कि हमें सच बताइए कि एक्चुअल में हुआ क्या था। पास्ट में नाहो ने ककेरू की डेथ के बारे में पढ़ा। इसमें लिखा है कि हम सबकी एक बड़ी रिग्रेट है कि हम ककेरू को बचा नहीं पाए। फर्स्ट में को सॉकर की टीम का सिलेक्शन होगा, ट्राई करना ककेरू इस टीम में आ जाए। नाहो पूरा ट्राई करेगी, वो ककेरू को किसी भी हालत में बचाना चाहती है। वो स्कूल में पहुंची तो ककेरू ने ऑलरेडी टीम ज्वाइन कर ली थी। वो वंडर करती है कि ऐसा कैसे हुआ। अब कुछ दिन चले गए। लेटर में लिखा है कि ककेरू को एक सीनियर लड़की प्रपोज करेगी, उसके बाद वो दोनों डेट पर जाएंगे। तुम्हें जो एक्चुअल में लगता होगा ये बात तुम ककेरू को कह देना। जैसा लेटर में लिखा था वैसा ही हुआ। ककेरू को एक सीनियर लड़की ने प्रपोज किया। इससे पहले कि उस लड़की के साथ डेट पर जाए उसने एक छोटी सी चिट्ठी में पूछा क्या तुम्हें लगता है ये अच्छा आइडिया है। नाहो इसके बारे में बहुत सोचती है। जैसे कि उसके फ्यूचर सेल्फ ने कहा है तुम्हें ऑनेस्ट रहना है। नाहो ने भी एक चिट्ठी लिखी और ककेरू के लॉकर में डाल दी। ककेरू ये पढ़ता पर इसके लिए जरा लेट हो चुका था, इसीलिए ककेरू अपने सीनियर के प्रपोजल को हाँ कह देता है। अगले दिन अपने लॉकर में नाहो का आंसर उसे मिला। इसमें लिखा था कि उसके साथ डेट पर मत जाओ। नाहो को बुरा लगा था। ककेरू के पास आकर कहती है कि आज से मैं तुम्हारे लिए टिफिन नहीं लाऊंगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुरा लगेगा। लेटर में नाहो पढ़ती है कि जब ककेरू तुम्हें बुलाएगा तो आंसर देना, भाग मत जाना। ककेरू को नाहो के आंसर के बारे में पता है तो इन सब चीज़ों के बारे में उससे बात करना चाहता था पर नाहो उसे इग्नोर कर रही थी। वो एक दिन उसे रोक लेता है पर नाहो की गर्लफ्रेंड वहाँ आके ये फिर से बात नहीं कर पाए। ककेरू भी अपसेट था कि नाहो अब उससे बात नहीं करती। वो एक दिन उसे कुछ भी ना बात किए हुए क्लास से चला गया। नाहो को लगा कि उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। उसके फ्यूचर सेल्फ ने कहा है नाहो की बात सुन लेना
तो यही करने के लिए उसके पास वो भागती है। यही भागते भागते वो ककेरु की गर्लफ्रेंड से टकरा के, वैसे तो चोट ककेरु की गर्लफ्रेंड और नाहो को इन दोनों को आई थी, पर ककेरु पहले नाहो के पास जाता है। उसने उससे कहा तुम्हें जरा केयरफुल रहना चाहिए। नाहो फिर से अपने फीलिंग्स को लेकर भाग रही थी, उसे रास्ते में सुआ रोक लेता है। कहता है हमें पता है तुम किस तरीके से फील करती हो, तुम्हें ककेरु के पास जाकर बात करनी चाहिए। नाहो ने भी इन सब की एडवाइस मान ली। वो ककेरु के पास गए, उसे सॉरी कहती है। उसने कहा कि जब तुमने मुझे पुकारा था तो मुझे रुकना चाहिए था। ये दोनों बातें करते हैं। ककेरु कहता है मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगा, वैसे भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसे अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ तो मिसिंग था। ककेरु नाहो से कहता है कि ऐसा कोई है जिसकी मैं सबसे ज्यादा केयर करता हूँ। नाहो पूछती कि ऐसा कौन है। ककेरु हंसकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्कूल में इनकी टीचर इन्हें टाइम ट्रैवल के बारे में बता रहे थे। वो कहते हैं अगर हम पास्ट में गए और कुछ चीजें चेंज कर दी तो पास्ट की टाइमलाइन और प्रेजेंट की टाइमलाइन ही अलग अलग हो जाएगी, आपके प्रेजेंट में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से हमारी मूवी की भी टाइमलाइन है। नाहो को जिस तरह से लेटर में लिखा हुआ है उसी तरीके से वो स्टेप्स ले रही है। उसका फ्यूचर बदल चुका है, पर फ्यूचर की जो नाहो है जिसने लेटर सेंड किया वो एक अलग रियलिटी में है। उसके लिए फ्यूचर चेंज नहीं हो सकता, पर पास्ट में नाहो ककेरु को बचा तो सकती है। एक अलग रियलिटी में ककेरु बच सकता है। जैसे हर रोमांटिक जापानीज मूवी में फायरवर्क का फेस्टिवल दिखाया जाता है, उसी तरीके से इनका भी फायरवर्क का फेस्टिवल था। ये हर मूवी में क्लिशे तो लगता है, पर इतना ब्यूटीफुल है तो हम इसे कितनी भी बार देख सकते हैं। लेटर में लिखा था कि ककेरु को फायरवर्क्स देखने के लिए बुला लेना, और नाहो भी उसे बुला लेती है। फायरवर्क्स के दिन ककेरु और साकू ये दोनों हैंगआउट कर रहे थे। ककेरु को पता है कि साकू को भी नाहो के लिए फीलिंग्स है, तो उसे पूछ लेता है क्या मैं उसके साथ फायरवर्क्स देखने के लिए जा सकता हूँ। साकू कहता है कि ऑफकोर्स जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रात में जब नाहो ककेरु से मिलने के लिए आ रही थी तो ककेरु की एक्स गर्लफ्रेंड जेलस हो गई, उसे उसने रास्ते में ही रोक लिया। वो कहती है हमारे लिए सब चीजें ऑफिस में जाकर रख कर आओ। नाहो इसके लिए मना नहीं कर सकती थी, अगर नाहो मना करती तो उसे बुली करते, तो मना कर नहीं सकती थी। ये सब करते हुए उसे लेट हो रहा था। ककेरु ने नाहो का बहुत वेट किया। नाहो के फ्रेंड्स ने यह सब नोटिस किया, वो कहते हैं हम सब काम कर लेंगे, तुम जल्दी से ककेरु के पास जाओ। ककेरु ने बहुत वेट किया, वो अपसेट हो गया था कि नाहो उसके पास आई ही नहीं। वो जा रहा था तभी नाहो से मिल गए, वो बहुत खुश हो गया। उसका हाथ उसने पकड़ा और ये दोनों फायरवर्क्स देखते हैं। ये कुछ देख पाते इसके पहले ही खत्म हो चुके थे। इन दोनों को बहुत बुरा लगा कि एक साथ देख नहीं पाए, तभी फिर से फायरवर्क स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश थे। ककेरु कहता है मैं इस दिन को कभी भी नहीं भूलूंगा, ये उसकी जिंदगी का सबसे हैप्पी डे था। ये बात नाहो भी कभी नहीं भूलेगी। अगले दिन इस फेस्टिवल में नाहो और ककेरु के कोई भी फ्रेंड इन्हें ज्वाइन नहीं करते, एक दूसरे के साथ बिताने के लिए इन्हें प्राइवेट टाइम मिलता है। दिन भर इन्होंने बहुत सारे मजे किए, अलग अलग चीजें इन्होंने ट्राई किए, लंच किया। रात में कुछ लेडीज कुछ फ्लेम्स लेकर जा रही थी। ये देखकर ककेरु को अपनी मदर की याद आ गई, बचपन में उसकी मदर उसे इस फेस्टिवल में लेकर आया करती थी। इसके बाद ककेरु और नाहो एक मंदिर में गए। नाहो पूछती है तुमने मांगा क्या। ककेरु कहता है मैं मेरी मदर से बात कर रहा था, मैंने उससे सॉरी कहा। नाहो पूछती कि ऐसा क्यों। ककेरु कहता है अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो शायद तुम मुझे हेट करोगी। नाहो को लेटर से पता था कि ककेरु की जो मदर के साथ रिलेशनशिप थी इस वजह से वो रिग्रेट करता है। इस बारे में नाहो ने ककेरु से पूछ लिया। वो कहता है जिस दिन मेरी मदर की डेथ हुई उस दिन मेरा उससे साथ झगड़ा हुआ था, उसकी मदर मेंटली अनस्टेबल थी इस वजह से उसकी मदर ने सुसाइड कर ली। ककेरु इस बात को बहुत रिग्रेट करता है, उसे लगता है उस दिन अपनी मदर को छोड़कर उसे नहीं जाना चाहिए था। बेचारा अपसेट होकर यहाँ से चला जाता है। रात में नाहो लेटर में पढ़ती है यही रीजन था ककेरु अपनी लाइफ को लेकर रिग्रेट करता था, अगर उसकी रिग्रेट गई नहीं तो सुसाइड करेगा। फ्यूचर में भी नाहो और उसके फ्रेंड को ककेरु की ग्रैंड मदर यही बात बताती है। इसके बाद कुछ दिनों के लिए ककेरु स्कूल में नहीं आया। सुबह वे ककेरु के लिए परेशान था तो नाहो के पास आता है, उसे पूछता है कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। नाहो को लगा कि उसे सुबह को सब कुछ बातें बता देनी चाहिए,
वो कहती ये सब बातें एक्सप्लेन करना जरा हार्ड हो सकता है, पर मेरे पास एक लेटर है। सुआ कहता है कि मुझे पता है, मुझे भी एक लेटर मिला हुआ है। इन दोनों की फ्यूचर सेल्फ ने इन्हें लेटर लिखा था। सुआ की लाइफ में भी जो भी सब रिग्रेट्स थे वो क्लियर कर रहा था। मूवी में हमने देखा ककेरू को सॉकर टीम ज्वाइन करने के लिए इन्हें फोर्स करना था। ये काम पहले सुआ ने कर डाला था। सुआ नाहो से कहता है कुछ भी हो जाए हम उसे बचा लेंगे। लेटर्स में ककेरू के बर्थडे के बारे में लिखा हुआ है। इन्हें इसके बर्थडे के बारे में पता नहीं था तो शायद ये सेलिब्रेट वो नहीं करते, पर इन्हें फिक्स पता चल चुका है। इन्होंने फ्यूचर में रिग्रेट किया था ककेरू की बर्थडे विश वो कंप्लीट नहीं कर पाए, पर इस बार ये सब लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या। ककेरू के बर्थडे के दिन पर सब ने मिलकर इसे सरप्राइज दिया। वो बहुत ही खुश था। ककेरू ने सुआ से एज ए गिफ्ट फ्लावर्स मांगे थे। ककेरू ने कहा कि नाहो को फूल गिफ्ट देकर उसे कन्फेस करेगा। ये सब चीजें जब फर्स्ट टाइम हुई थी तो ककेरू का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे और नेक्स्ट साल तक उसकी डेथ हो चुकी थी, पर इस बार ककेरू को जो भी चीजें चाहिए थी ये उन्होंने उसे ला कर दी। सब कुछ परफेक्ट हुआ और ककेरू ने नाहो को फूल देकर उसे प्रपोज कर दिया। फिर से फ्यूचर के सीन में हम देखते हैं सुबह आज भी जब ककेरू के ग्रैंड मदर को मिलने के लिए आया तो फूल लेकर आया हुआ था। ये फूल वो ककेरू को चढ़ाता है पर फिर उठाकर नाहो को दे देता है। उसने उससे कहा पास में ककेरू तुम्हें फूल देना चाहता था, उसने मुझसे बात कही थी पर उसके बाद ही उसकी डेथ हो गई तो कभी दे नहीं पाया। ये सुनकर नाहो बहुत रोती है। फिर से हम पास देखते हैं। लेटर में लिखा है इनके स्कूल में रनिंग का कॉम्पिटिशन था, ककेरू इसे लीड कर रहा था पर उसके एंकल की चोट की वजह से वो इस कंपटीशन में हार गया। स्कूल के हारने की वजह वो अपने आप को मानता था, उसे बहुत बुरा लगा था। नाहो और सुआ डिसाइड करते हैं इस बार वो इस तरह से कुछ भी होने नहीं देंगे। अब ककेरू को कंपटीशन से कैसे दूर रखा जाए इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इनके फ्रेंड्स ने नोटिस किया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नाहो और सुआ फिर ने सब कुछ सच सच बता देते हैं। इस बात पर इनके फ्रेंड्स को बिलीव नहीं हुआ, पर नाहो और सुआ इस तरीके से झूठ नहीं कह सकते। ये उन लेटर्स पर नहीं पर अपने फ्रेंड्स पर बिलीव करते थे, उन्हें हेल्प करने के लिए मान गए। स्कूल में जब कंपटीशन के लिए पूछा गया तो सुआ सबसे आगे बढ़ जाता है, उसके साथ नाहो भी पार्टिसिपेट करती है। इन दोनों को देखकर सब फ्रेंड्स ने उन्हें सपोर्ट किया। फाइनली ककेरू भी इस कॉम्पिटिशन को लीड करने का डिसाइड करता है। कॉम्पिटिशन का डे आया और ककेरू के पैर पर चोट आ गई थी। नाहो से इसके बारे में पूछती है पर ककेरू कुछ भी नहीं बताता। ककेरू को काम दिया गया था तो एक बड़ी सी मैट लेकर वो नाहो के साथ अकेला ही जा रहा था। अपनी चोट की वजह से उसे तकलीफ हो रही थी, तभी उसके सारे फ्रेंड्स उसके पास आ गए। उन्होंने उसे समझाया कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तुम्हें हमारी हेल्प लेनी चाहिए, फ्रेंड्स इसीलिए होते हैं, तुम्हें कुछ भी लगे सारी बातें हमारे साथ शेयर करो, हम सब मिलकर तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। ककेरू ने नाहो के अलावा अपनी मदर के बारे में किसी भी फ्रेंड को बताया नहीं था। आज मैथ्स की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड है। सबको कहता है मैंने आपसे झूठ कहा था, जिस दिन हम फर्स्ट मिले थे उस दिन मेरी मदर की डेथ हो गई थी, वो आज शायद मुझे देख रही है, मैं आप सबके साथ हूँ मजे कर रहा हूँ तो शायद उसे बुरा लगेगा। मेरी मदर बहुत ही ज़्यादा सैड थी और मैं इस तरीके से एंजॉय कैसे कर सकता हूँ। फ्रेंड्स ने उसे समझाया तुम्हारी मदर हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती है, अगर तुम्हें लगता है कि हमेशा तुम्हें देखती रहती है तो अगर तुम खुश रहोगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। ककेरू भी इस बात को समझ गया। जब तक उसके फ्रेंड्स उसके साथ है तब तक सब चीज़ें उनसे वो शेयर कर सकता है। फ्रेंड्स ने कहा कि अब तुम जाओ और ज़रा रेस्ट करो के बाद ये सब कॉम्पिटिशन में भागे। ककेरू इस बार इसमें जीत गया। भागते भागते उसे कुछ लग गया था। नाहो उसे बैंडेड लगा देती है। ककेरू उसके करीब आकर उसे किस कर लेता है। ये इनके लिए बहुत स्पेशल था। ये सारे फ्रेंड्स मिलकर हैंग आउट करते थे। कुछ दिन इनके बहुत अच्छे से गए। एक दिन ककेरू को न्यूज़ मिली कि उसकी ग्रैंड मदर बहुत ही बीमार है। वो अपसेट हो गया। नाहो के लेटर में लिखा हुआ है कि आज ककेरू के साथ फाइट मत करना। नाहो ने डिसाइड तो किया था पर जब वो ककेरू के साथ बात करती है तो कहती है तुम्हारी ग्रैंड मदर को कुछ भी नहीं होगा। उसे फ्यूचर से पता था ग्रैंड मदर अभी भी जिंदा है। ककेरू को इस बात के बारे में पता नहीं। उसे लगता है कि अगर उसकी ग्रैंड मदर की भी डेथ हो गई तो किसी को अपना कहे ऐसा इस वर्ल्ड में उसका कोई भी नहीं होगा। उसे लगा कि नाहो इस बात को समझ नहीं सकती
तो इसी वजह से उससे वो दूर चला गया। फिर से फ्यूचर में हम देखते हैं सारे फ्रेंड एक साथ थे। ककेरू को याद कर सब बहुत रोते हैं। रात में जब फ्यूचर की नाहो घर पर आई तो अपनी पुरानी डायरी उसने देखी। सारी चीजें उसे याद आती है, वो बहुत रोती है। तो सुआ उसे सहारा देता है। उसने कहा, हम हमारे पास सेल्फ को एक लेटर लिखते हैं। हमें लाइफ में जो भी रिग्रेट्स है हम इस लेटर में सारी लिख देंगे। यही लेटर पास में नाहो और सुआ को मिले हैं। और पास में नाहो ने लेटर में पढ़ा कि तुमने ककुरा से लास्ट टाइम बात करने की कोशिश की थी पर ये बात हो नहीं पाई। इसके बाद ही उसकी डेथ हो गई। अगले दिन स्कूल में नाहो ककेरो से बात करने की कोशिश करती है। जो भी हुआ इसके लिए सॉरी कहती है। ककेरो इस बात को जाने देता है पर उसे इग्नोर कर यहाँ से वो जा रहा था। ककेरो से कहता है, हम बाद में बात करेंगे। नाहो को बताया कि उसे जाने नहीं दे सकती है। उसे कहती है, मुझे तुमसे अभी की अभी बात करनी है। मैं किसी भी चीज़ को रिग्रेट नहीं करना चाहती। वो उसे कहती है कि मैं बहुत सॉरी हूँ, मैंने जो भी कहा ये मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जो भी हो जाए मैं तुम्हें हर पल हेल्प करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ककेरो कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। नाहो कहती कि कुछ भी हो जाए, तुम मुझे प्यार करो या मुझे हर्ट करो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। ककेरो कहता है, अगर मैंने कभी तुम्हें हर्ट किया तो मैं अपने आप को हेट करूंगा। नाहो उसे गले लगा लेती है, कहती है, तुम्हारी अच्छी बुरी सब चीज़ें मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ककेरो रोने लग जाता है, कहता है, तुम लोग कितने अच्छे हो पर फिर भी मैं जीना नहीं चाहता। कभी कभी लगता है सब कुछ गिवअप कर दो, मुझे सिर्फ खुश रहना है। नाहो कहती कि हम मिलकर खुश रहेंगे। इसके बाद फ्यूचर में हम देखते हैं सुआ और नाहो, इन्होंने जो लेटर्स लिखे थे इस सकुरा ट्री के पास जाकर वो गाड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये लेटर उनके पास सेल्फ को मिल पाए तो किसी अलग टाइमलाइन में ककेरू को बचा पाएंगे। फिर से हमें पास दिखाया जाता है। ककेरू अपने घर पर था। मदर की डेथ के बाद फर्स्ट टाइम उसके रूम में जाता है। मदर ने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जो उसने देखा। मदर ने कहा है, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए डिसीजन लिए, तुम्हारे फादर मुझे बहुत मारा करते थे इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। तुम्हें मैं गलत लगती थी पर रियल रीजन ये था, हम टोक्यो में जब थे तुम्हारे क्लासमेट तुम्हें बुली किया करते थे, कोई भी फ्रेंड नहीं था। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इस तरीके से लाइफ हो, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। अगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैंने कुछ भी किया हो, तुम्हें हर्ट किया हो, तो मुझे माफ़ कर देना। यही मैसेज रिकॉर्ड कर ककेरू की मदर ने सुसाइड की थी। यह सुनने के बाद ककेरू को बहुत बुरा लगता है। वो भी अपनी मदर को सॉरी कहना चाहता था। आज रात ये सारे फ्रेंड्स मिलने वाले थे पर ककेरू आया ही नहीं। नाहो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि आज ही ककेरू की डेथ होने वाली है। ककेरू को सारे फ्रेंड्स ढूंढने लग जाते हैं। ककेरू अपनी ग्रैंड मदर से मिला, उसके बाद घर जा रहा था। उसे फिर से लगता है कि जीने का कोई भी पॉइंट नहीं है। अपनी मदर के पास जाकर उसे सॉरी कहना चाहता है। आगे से एक बड़ा ट्रक आया, उससे वो टकराने वाला था। तभी नाहो ने उसे आवाज दी। ककेरू को उनके सब ब्यूटीफुल मोमेंट याद आए, नाहो के साथ होना, अपने फ्रेंड्स के साथ होना। अगर वो इस दुनिया से चला जाएगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ के मोमेंट्स का क्या होगा। ये सोचकर अपने बाइसिकल को ब्रेक लगाता है। वो नीचे गिर गया पर एक्सीडेंट से बच जाता है। सारे फ्रेंड्स उसके पास आए, सारे बहुत रो रहे थे। ककेरू कहता है, मुझे मरना नहीं है, मुझे आप सब लोगों के साथ ही रहना है। सारे फ्रेंड्स उसे गले लगाकर बहुत रोते हैं। फाइनली इन सब फ्रेंड्स ने मिलकर ककेरू को सपोर्ट देकर उसे बचा लिया। जिस फ्यूचर से नाहो और सुवा ने उनके पास के लिए लेटर्स भेजे थे वो फ्यूचर अब भी नहीं बदला। उनके पास सेल्फ के लिए एक अलग सी टाइमलाइन बन चुकी है। जैसे भी फ्यूचर में नाहो और सुवा ने एक दूसरे से शादी की थी, उन्हें ब्यूटीफुल सी बेबी भी है, एक दूसरे के साथ खुश थे। पास्ट में इन्होंने जो भी चेंजेस किए उससे एक पैरेलल में एक नया फ्यूचर बना। इसमें हम देखते हैं नाहो और ककेरू ने शादी की, उन्हें भी एक ब्यूटीफुल सा बेटा है। ये बात उन्होंने मूवी में नहीं दिखाई पर ओरिजिनल मांगा में इसकी यही एंडिंग है। ये मूवी हमें सिखा कर जाती है कि हम कभी भी अकेले नहीं है, हमेशा हमारे चाहने वाले हमारे साथ होते हैं, हमें किसी भी चीज़ से निकालने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। उनके साथ आने वाले सब ब्यूटीफुल मोमेंट्स को याद कर हमें ज़िंदगी कंटिन्यू करनी चाहिए।
हमें उन लोगों के साथ बिताए हुए ब्यूटीफुल मोमेंट्स और फ्यूचर में आने वाले सब ब्यूटीफुल मेमोरीज के लिए ये जिंदगी जीना चाहिए। इस एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी इस तरह की मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।